ठीक है ये आप लोग का ये नजर आना वो आ रहा है सर। एक और बच्चे को बुला स्माइल करें हंस ले लवा स्माइल दगा दगा स्पोर्ट शेयर कर दक्ष 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 शार ब्रो फुटबॉल का और चला दक्ष ये कितने दिन तक रहता है निशान ये लेकिन थोड़ा आप सीखिए जो स्पेशल एसएनआईडी है उनका इफ्तिताह किया। कोई 27 के करीब यूनियन काउंसिल्स हमारे 9 अजला के बनते हैं, उनमें खसूसी मुहिम पोलियो की चलाई जाएगी। तो अवाम नास से तमाम लोगों से और तमाम वालदेन से हमारी दरख्वास्त है कि वो जो 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनको खसूसी तौर पे पोलियो वैक्सीनेशन कराई जाए। पोलियो की ये वैक्सीनेशन की अफादियत इसलिए ज़्यादा अहम है कि हम जितनी भी बीमारियां होती है ओवर द ईयर्स उम्र के साथ, वो सारी वैक्सीनेशन ना होने की वजह से होती है। मैं आज प्रोग्राम जो हमारे डायरेक्टर है ईओसी के हेड, इनसे जिक्र कर रहा था, दुखी में मीज़ल के केसेस हुए, तो हमने जो इन्वेस्टिगेशन की वो वैक्सीनेशन ना होने की वजह से हुआ था। तो लिहाजा हमारी सबसे गुजारिश है, जितने भी वालदेन हैं इन 37 यूनियन काउंसिल के 9 अजला के जो बनते हैं जिनको खसूसी तौर पे फोकस किया गया है, और ख़ुशी की बात यह है कि एक्सटेंसिव एक्सरसाइज करने के बाद, बार बार मुहिम चलाने के बाद, अल्हम्दुलिल्लाह कोई 2021 से कोई भी केस बलूचिस्तान में रिपोर्ट नहीं हुआ है। तो ये इस टीम की मेहनत का नतीजा है, इनका हार्डवर्क है, और इन्होंने जो फील्ड में काम किया है तो उनका मैं इनको दाद देता हूँ। तो मीडिया खसूसन तमाम जो चैनल्स आज जितने भी डिफरेंट चैनल्स के नुमाइंदे मौजूद है, अब सबसे गुजारिश है कि ये पैगाम घर घर पहुँचाए, और चूंकि आजकल मीडिया बड़ा फास्ट हुआ है, कोई भी खबर निकलती है तो कोसो दूर दुनिया के हर कोने में पहुँच आती है। तो लिहाजा आप सबसे गुजारिश है आपके मीडिया के तवसत से, उन सब माओं बहनों से गुजारिश मैं करूँगा कि वो इस मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। थैंक यू सो मच। कोई सवाल किसी का? जो तकरीबन 2 साल होने को हैं, ज़्यादा हो गए हैं, जो कोई केस रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो इंटरनेशनली क्या प्रैक्टिसेस हैं, कब बलूचिस्तान जो है वो पोलियो फ्री जिसको हम कहते हैं कि क्लियर होगा या हो सकता है? अच्छा, ये इंटरनेशनली इसका तरीक़ाकार ये है कि कम अज़ कम 5 साल तक मुसलसल ये मॉनिटरिंग करते रहेंगे, एनवायरमेंटल सैम्पलिंग है, और फिर जो तरीक़ाकार है सैंपल लेने का, 2-3 और सैंपलिंग होती है, इन तमाम में 5 साल के दौरान अगर कोई भी केस ना हो तो फिर उस इलाके को पोलियो फ्री, लेकिन वो भी उस सूरत में कि जो हमारी रूटीन इम्यूनाइजेशन है उसके लिए बजट फोकस्ड हो, और इस हिसाब से हो कि फिर हमें स्पेशल जो वैक्सीनेशन हम करते हैं जिस तरह पोलियो की हो रही है ये फिर ना करना पड़े, तब जो है ना वो फिर उसको पोलियो फ्री या वो जो कोई भी बीमारी होती है उससे फ्री करार देते हैं। थैंक यू।